महादेव एवं प्रमोटर्स द्वारा 508 करोड़ रुपए का भुगतान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को करने संबंधित ईडी के दावे के बाद कांग्रेस द्वारा पकड़े गए कैश कुरियर असीम दास की फोटो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ शनिवार की शाम जारी की गई। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सारी गड़बड़ियों में वही लोग रहते हैं, आरोप दूसरों पर लगाते हैं। इनके संबंध से पहले वहां के जो पार्षद हैं उसका परम मित्र है। इसके साथ ही उन्होंने दुर्ग में पीएम मोदी द्वारा दिए गए भाषण पर भी हमला बोला। तो ये सारे गड़बड़ियों में तो वही लोग रहते हैं, आरोप दूसरे पर लगाते हैं। इनके संबंध पहले से हैं, उन्हीं के साथ ही है, वहाँ जो पार्षद उसके परम मित्र हैं। पहले मैंने बोला कि यदि महादेव ऐप विदेश से संचालित हो रहा है तो इसको बंद क्यों नहीं किया। दूसरा, जब लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि आपके लेन देन हो चुका है, दूसरे का आरोप लगा। जब हमारी सरकार ने 450 लोगों की गिरफ्तारियाँ कर ली है, हमारे पुलिस ने उसके संपत्ति उन्होंने जब्त की है, राशि जब्त की है, उसके लैपटॉप जब्त किए, मोबाइल जब्त किए, गैजेट जब्त किए और कई दर्जन FIR दर्ज हुआ पूरे देश में, तो इससे बड़ी कार्रवाई कहीं नहीं हुई जितना छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया। अब उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यदि हम लोगों की यदि संलिप्तता होती हम कार्रवाई क्यों करते, इतने सारे लोग क्यों कार्रवाई करते। इनकी संलिप्तता है, फोटो देखे ना, राजभवन वाली फोटो है ना, रमन सिंह वाली फोटो, और फिर वो पैसा आ कैसे गया विदेश से, आपकी कस्टम क्या कर रहा था। तो ये सारी बातें हैं जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब एक तरफ वो कहते हैं कि एक ही जाति गरीब का, फिर वो पिछड़े वर्ग कैसे आ गए, अपने ही बात का खंडन कर रहे हैं। मोदी जी आजकल सब यू टर्न मारना शुरू कर दिए।